वधेरे जानकारी लिए संपर्क करो गौरव गर्ग शेरपुर, मोबाइल 94170-36301 98141-36301 94170-36301 98141-36301। राजस्थान की धरती ते जिला श्री गंगानगर अधीन पेंदे पिंड चक 9PS विखे संत बाबा फतेह सिंह जी की प्रेरणा सदका स्वर्गवासी दिल जोड़ HS बगड़ी जी वालों चलाई परंपरा अनुसार हिंदी चादर नौवें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी का प्रकाश उत्सव बहुत ही श्रद्धा न मनाया गया। मुख्य प्रबंधक सरदार दविंदर जीत सिंह बागड़ी और सरदार गुरचरण सिंह बागड़ी के समूह संगत के सहयोग न करवाए गए इन्हों समागम मौके बड़ी गिनती संगत ने हाजरिया भरिया। समागम मौके रैन सवाई कीर्तन दरबार होया जिस वक् कीर्तनी जथे भाई दविंदर जीत सिंह जी सोडी लुधियाना वाले भाई बचित्र सिंह जी कथावाचक गुरद्वारा शीश गंज साहिब दिल्ली संत बाबा जरनैल सिंह जी लुधियाने वाले संत तेजवंत सिंह जी जम्मू वाले भाई सुरेंद्र सिंह जी बुढ़ा जौहड़ ने कथा कीर्तन राही संगतां नूं निहाल कीता। पार बरम पूरन गुरदे कर कृपा लागो तेरी से कर कृपा लागो तेरी से चरण कमल हृदय उतार मन तन तन गुर प्राण उदारी मन तन तन गुर प्राण उदारी जप जप जीवा सतगुर नाओ जीवा सतगुर नाओ जीवा सतगुर नाओ गुर जी के दर्शन को बल जा नाद संदड़िया गुरमत बंजे मिते अगड़े लगे सिख दे घर जेड़ा भी बच्चा जन्म लेंदा ना खिमा करियो ओदे किते निशानी होवे जा ना होवे सिख दे घर जेड़ा बच्चा जन्म लेंदा ओनू बाबा नानक ही भेजदा है। श्री गुरु हरगोबिंद महाराज जी का जब आगमन होया सी ना ते गुरु अर्जुन देव साहब नू पुछया ए दात कित्थों मिली ते उन्होंने आख्या गुज्जी छन्नी नाही बात गुरु नानक टुठा। कह लगे ए दात ते बाबे नानक दे घरों मिली आ सिखा तेरे घर जेड़ा बच्चा जन्म ले उन्नू बाबा नानक भेजदा है तेरे घर जेड़ी बच्ची जन्म ले ओ बाबे नानक साहब दे घरों आई हुंदी है। और साड़ी अवस्था पता की है कि पुत्र ते चंगा लगदा पर बाबे नानक दा सरूप जो पुत्र नू देना चाहिए वह चंगा नहीं लगता। पुत्र ते मंगदे हां कदी पुत्र लई सिखी दी दात मंगी पुत्र ते मंगदे हां कदी गुरु कोल ए भी मंगया पुत्र गुरु चरणा नाल जुड़िया होवे। कहण लगे महाराज गुरु तेग बहादुर सिमरे हैं करनो निद आवै ताहे सब थाई होए सहाय। गुरु नू याद कीतिया गुरु नू समझिया जे गुरु नू सिमरिया गुरु नू याद कीतिया की है किसे चीज़ दी कोई कमी नहीं है किसे चीज़ दी कोई तोट नहीं आ सकती जेड़ा गुरु नू सिमरदा है जेड़ा गुरु नू याद करदा है। और
ख्याल करियो, ये सिखी दी दात जिहड़ी सानू मालक ने दित्ती है, मालक ने रब्बी बख्शिश कीती है, ये सिखी दी दात, ये सिखी दी रब्बी बख्शिश जिहड़ी सानू गुरुदेव पातशाह महाराज जी ने दित्ती है। याद रखियो, इस दी कीमत नू जिसने जान लिया, इस दी कीमत नू जिसने समझ लिया, उस दा बंद बंद भी कट गया है, लेकिन उस सिखी तो वाकी नहीं होया। भगता टेक तो संता सच्चा सिर जनहारा, सतगुर पास बेनंतिया, सतगुर पास बेनंतिया, मिले नाम अदारा, मिले नाम अदारा। हाँ, भगता की टेक तो संता की ओट तो सच्चा सिर जनहारा। हाँ, भगता की टेक तो सच्चा सिर जनहारा। बदले शाटो प्रगट होए ना चोया, माया के पांडे डगमग छाड़ दे, छाड़ दे मन को डगमग छाड़ दे, छाड़ दे मन बोरा। अब तो हो जा मरे सिद्ध पाई है, अब तो हो जा मरे सिद्ध पाई, तीनों हाथ संदोर डगमग छाड़ दे, छाड़ दे मन बोर डगमग छाड़ दे, छाड़ दे मन बोरा। पिता दशमेश दिया खुशियां जे लैनिया, खुशियां जे लैनिया, खंडे वाला अंबर तपी नी संगते, खंडे वाला अंबर तपी। पिता दशमेश दिया खुशियां जे लैनिया, एक घुट पीते अखां खुल जांदियां, अखां खुल जांदियां, पता नहीं उबट बिच की संग से, पता नहीं उबट। समागमां दे सवेर समें आरंभे पाठां दे भोग पाए गए, उपरंत वख-वख कथावाचक अते कीर्ति जथियां तों इलावा सिंह साहिब ज्ञानी गुरबचन सिंह जी ने कहा कि सानू गुरुआं दे दर्साए मार्ग ते चलना चाहिदा। सब थाई हो सहाए, गुरु तेग बहादुर सिमरिए, कर नौ निधि आवे ताए। प्रथम पकौती सिमर के गुरु नानक लई दियाए, फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होए सहाय। सब थाई होए सहाय, सब थाई होए सहाय, आवे
ਅਰਜਨ ਹਰ ਕੋ ਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿੱਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿੱਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੀਐ ਕਰ ਨੋ ਨਿਤ ਆਵੇ ਤਾਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੀਏ ਕਰ ਨੋ ਨਿਦ ਆਵੇ ਤਾਏ ਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੀਏ ਕਰ ਨੋ ਨਿਦ ਆਵੇ ਤਾਏ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੀਐ ਕਰ ਨੋ ਨਿਦ ਆਵੇ ਤਾਏ ਤੇ ਇਸ ਕਵੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੱਕਿਆ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵੱਲੇ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਿੱਤਰਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸੁੰਦਰ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਤੇਰਾ ਤਨ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਅੱਧ ਨੰਗਾ ਤਨ ਹੈ ਤੇਰਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਤੂੰ ਕੱਪੜੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੋ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਸਿਲਾ ਕੇ ਦੇਵੇ ਸੁੰਦਰ ਕੱਪੜੇ ਦੇਵੇ ਪਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਮੇਰੇ ਤਨ ਢੱਕਣ ਜੋਗੇ ਕੱਪੜੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਇਤਨੀ ਗੁਰਬਤ ਹੈ ਇਤਨੀ ਗਰੀਬੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਿਆਗ ਮੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਗ ਦੇ ਜ਼ੋਹਰ ਦਿਖਾਉਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਨਾਮ ਤਿਆਗ ਮੱਲ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਧੰਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੁੰਦਰ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਕੀਮਤੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉੱਪਰਲੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਆਪ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਤੱਕਿਆ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸੁੰਦਰ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇਰੇ ਤਨ 'ਤੇ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਦੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮਾਂ ਹੈ ਨਾ ਮਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਹੈ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਨੇ ਮਾਂ ਕੋਮਲਤਾ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਹੈ ਮਾਂ ਦਇਆ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਨਾ ਐਸੋਡੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੂਜਣਾ ਹੀ ਤਾਂ ਮਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਪੂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੁਭਾਵ ਵੀ ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੁਭਾਵ ਵੀ ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਚਿਤਾਰਦਾ ਹੈ ਭੋਗ ਪੈਣ ਉਪਰੰਤ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵੀ ਲਏ ਗਏ ਜਿਸਕੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਦੁੱਖ ਕੈਸਾ ਪਾਵੈ ਸੋ ਦੁੱਖ ਕੈਸਾ ਪਾਵੈ ਜਿਸਕੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਦੁੱਖ ਕੈਸਾ ਪਾਵੈ ਇਸ
समय बाबा नत्था सिंह जी गुरद्वारा बुढ़ा जौहड़, मास्टर हाकम सिंह जी बुढ़ा जौहड़, सरदार जगजीत सिंह जी ती आरवी, सरदार महेंद्र सिंह जी चठा, माता उधम कौर जी, माता जसविंदर कौर जी बागड़ी, सरदार बलवीर सिंह दिल्ली, सतनाम सिंह, अमोलक सिंह, हरपाल सिंह भी हाजिर सन। इस मौके उचेचे तौर ते पुजे एमपी श्री निहाल चंद जी ने अपने विचार रखे। भाई देवेंद्र सिंह जी को और भाई गुरचरण सिंह जी को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने इस इलाके में एक नई अलख जगाई है। इनके पिता श्री दिलजोत सिंह जी बागड़ी, जो इस इलाके के माने हुए महान संत थे, और मेरे परिवार से 50 साल का इनका पुराना रिश्ता है। मैं समय समय पर इनके पास में आता हूँ। इन्होंने जो इस क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में या फिर पानी के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में, पेयजल के क्षेत्र में, जो इन्होंने विदेश से आके यहाँ पे ये अलख जगाते हैं। यहाँ पे गुरुग्रह में आज गुरुपर्व चल रहा है, गुरु तेग बहादुर जी के यादगार में यहाँ पे अखंड ज्योत चल रही है। मैं मेरी तरफ से इस परिवार को शुभकामनाएं देना चाहूँगा, और मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि एक अखंड ज्योत ये हम सब के लिए है, और यहाँ पे हर किसान खुशहाल रहे, समृद्धशाली रहे, और किसान विकास के मामले में आगे बढ़े, उनके खेत में पूरा पानी पहुँचे, ये एक समर्थशाली रूप में ये विदेश से आके यहाँ पे जो काम कर रहे हैं, ये इनका दिन दोगुनी और रात चौगुनी हो। मैं भगवान से ये प्रार्थना करूँगा। मेरी तरफ से इनके पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। पूज्य शख्सियता नु सिरोपाव दे के सम्मानित भी किया गया। बोलना जाने माया मद माता, बोलना जाने माया मद माता, मरना चीत न आवे, मरना चीत न आवे, मरना चीत न आवे, मरना चीत न आवे, जिसके सिर ऊपर तू दुख कैसा पावे, सो दुख कैसा पावे, मेरे राम राय, मेरे राम राय, साढ़े रिपोर्टर गौरव गर्ग शेरपुर नाल गलबात करदे आ। सरदार मलकीत सिंह चठा ने सारिया का धन्यवाद किया। मैं आप जी ने दसना चाहवागा भी ये बागड़ी परिवार किन्ने चिर तो कदों तो जुड़िया। अज तो कोई 50 साल पहला संत बाबा फतेह सिंह जी नाल सरदार पाखर सिंह जी का मेल होया, तो उन्होंने संत बाबा फतेह सिंह जी के बचन सुन के इन्ने क प्रभावित होए कि अपना जीवन सारा ही उन्होंने नाल लाउणा कर दिता। तो दो बच्चे सन, सरदार प्रीतम सिंह ते सरदार हरबंश सिंह जी बागड़ी, इन्हां नूं नाल लेके उत्थे पहुँचे तो संत बाबा फतेह सिंह जी अगों ही बोल गए, कहिंदे तूं कहिंदा वी इह इल्तबड़ी करदे ऐ, तो ये तो एडे वे महान रागी बन गए, तो गुरबाणी के वक्ता हो गए, उदों तो ला के हूँ तक दिल जोड़ बागड़ी कहते हैं, HS दिल जो दिल जोड़ बागड़ी। हूँ उन्होंने सपुत्र, उन्होंने धर्मस्थम सपत्नी और उन्होंने माता जी हजे जिंदे हैं, माता उधम कौर, धर्म सपत्नी बीबी जसविंदर कौर, उन्होंने वे सपुत्र सरदार दविंदरजीत सिंह, छोटे सपुत्र सरदार गुरचरण सिंह जी बागड़ी, सारा ही परिवार हर साल की तरह हर साल आते हैं, तो अपनी नेकमाई दसवंध के विचों इत्थे माया लिया के लोड़वंदा दियां लोड़ां पूरियां करते हैं, तो कई दिन गुरु के लंगर चलते हैं, तो जिमें अनाथ आश्रम बने हैं उन्होंने आपकी दसवंधी माया दे के आपकी नेकमाई सफला करते हैं। तो इन्नी क बेनती करता क्षमा का जाचक हाँ जी। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੀਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਛਕਿਆ, ਅਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ, ਜਿਸ ਕੇ
ਚੱਕ 9 PS ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਗੌਰਵ ਗਰਗ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਗੌਰਵ ਗਰਗ ਸ਼ੇਰਪੁਰ, ਮੋਬਾਈਲ 94170-36301 ਅਤੇ 98141-36301 94170-36301 ਅਤੇ 98141-36301।